चार्जर तो मंगाना जरूरी था क्योंकि मेरा फोन जो है स्लो चार्ज हो रहा था। Hey guys, good morning, welcome back to the channel। तो भाई आज जो है जन्माष्टमी के अगले दिन की वीडियो हम बना रहे हैं और भाई जो सजावट है अभी वो ऐसे ही पड़ी है, देख लो सब बलून्स लगे हैं, एक एक करके फूट रहे हैं, लेकिन मैंने हटाया नहीं अभी तक कि यार टाइम नहीं मिल पा रहा है। टाइम तो क्या पता है भाई, जन्माष्टमी गिरे भी जा रहे हैं। जन्माष्टमी को दो दिन हो गए, अभी जन्माष्टमी की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई यार मेरी, अभी उसकी प्रिपरेशन की अपलोड हो रही है। तो आज उसकी जो वीडियो है मैंने एडिट पे लगा दी थी, एडिट हो गई है और उसके बाद में भाई सेव हो रही है, अभी अपलोड होगी और अभी दो तीन दिन बाद मिलेगी फिर आपको ये वाली जो आप वीडियो बन रही है वो देखने को मिलेगी। मतलब तीन दिन कम से कम लेट चल रहा हूँ मैं इससे, तो व्लॉगिंग जो है तीन दिन मेरी लेट चल रही भाई। और दिखाते हैं अभी यार कुछ सामान मैंने मंगाया था एप्पल के लिए भाई, मंगाया था मैंने अपना फ़ोन के लिए एक फास्ट चार्जर 12 वाट का, तो वो चार्जर मेरा आ गया है यार और वो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे रखा है, बाहर रखा भी। तो भाई इसमें होगा मेरा चार्जर, ये है ये वाले बॉक्स में एप्पल का चार्जर है, इसको इधर साइड में करते हैं। और इसमें मैंने मंगाया था बोरोसिल का, ये है एक लंच बॉक्स और ये मेरे कुछ कपड़े हैं, ये टी शर्ट और ये सब टी शर्ट आ गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं पहले। और यहाँ रखो, ये हो गया बोरोसिल वाला लंच बॉक्स, ये हो गया मेरा आईफोन का चार्जर 12 वाट का इधर। और इसके साथ साथ इसमें तो यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई, ग्रोसरी का सामान है। और आज यार मैंने मंगाया रेड लेबल का टी, इसको देखते हैं कैसा होता है, अभी ये बाद में निकालेंगे, पहले ये सारा आइटम छोड़ देते हैं यहीं पर, सिर्फ ये लेके जाते हैं। चार्जर तो मंगाना ज़रूरी था क्योंकि मेरा फ़ोन जो है स्लो चार्ज हो रहा था जो उसके साथ चार्जर मिला है उससे। और एक चीज़ और दिखाता हूँ यार, जो हॉस्पिटल में मेमोरी मेरी ख़राब हुई थी वो अभी तक सही नहीं हो पाई है भाई, अभी आज मैंने फिर से फॉर्मेट करने के लिए लगाया है तो अभी फॉर्मेटिंग कर रहा है लेकिन अभी हो नहीं पाया है, एक नया मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा भाई। ये लगभग वही 2300 का आता है और सैंडिस्क का लिया था मैंने, लेकिन अब सैंडिस्क का नहीं लूँगा क्योंकि मुझे अब पता चला कि भाई सैंडिस्क भी जो है चाइना से आता है, तो मैं कोई दूसरा कंपनी का लूँगा जो चाइना से ना आता हो, है ना। और ये अभी ओपन करके मैं दिखाऊँगा आपको, ये जो मेरा USB वाला चार्जर है टाइप सी 12 वॉट का एप्पल के लिए, वो मैं अभी खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले अभी चलते हैं बाबू पास, देखते हैं बाबू भाई क्या कर रहा है। लाइट डिम करके सो रहे हैं क्यों बाबू? अरे बाबू जग जाओ भाई, जग जाओ, नहीं दादी के बाद अपने सो रहे हैं बाबू। और किधर से ये है चैन भाई, इसकी पकड़ो जरा खोलें। अरे बाबू, अरे बाबू सो रहा है, जग जाओ जग जाओ जग जाओ, नहीं जगोगे चलो ना जाओ। तो चलो भाई अभी मैं ये इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ और दिखाता हूँ आपको चार्जर कैसा है। तो भाई अनबॉक्सिंग तो कैमरे में ही समझ में आती थी यार, इसमें तो कैसे करें, कैसे मोबाइल को रखें, कैसे करें अनबॉक्सिंग। भाई बॉक्स खाली हो गया और जो मेन चार्जर है हमारा वो आ गया हमारे पास, और ऐसा कुछ दिख रहा है एप्पल का चार्जर। तो इसको यहाँ से हम लगा सकते हैं इसमें USB केबल और चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन को। और 12 वाट का चार्जर है ये, 12 वाट USB अडॉप्टर, तो बढ़िया यार ये फास्ट चार्जिंग करेगा। भाई जो फ़ोन के साथ में चार्जर मिला है iPhone 11 के साथ में वो 5 वॉट का मिला है, तो उसमें इतनी स्लो चार्जिंग होती है भाई रात में आप लगा के सो जाएं, क्योंकि 3 घंटा लेता है चार्ज करने में फुल चार्ज फ़ोन को, तो इतना किसी के पास टाइम नहीं कि भाई 3 घंटे के लिए वो फ़ोन चार्ज करे, तो इसलिए मैंने इसके लिए फास्ट चार्जर मंगा लिया है। अब देखते हैं इसकी चार्जिंग कैसी है, वैसे मैंने इसके रिव्यू देखे थे, बहुत ही बढ़िया रिव्यू थे इसके, तो ये वैसे बढ़िया चार्जिंग करेगा ये मुझे लग रहा है। तो अभी इसका बता दूंगा मैं कैसे क्या कर रहा है, अगर आपको लेना है आपके पास है आईफोन और आपके पास भी 5 वॉट का चार्जर तो आप भी ले सकते हैं ऐसे। इसके अलावा एक 18 वॉट का भी आता है यार, लेकिन वो ऑनलाइन था नहीं तो मैंने लिया नहीं, तो इसी से काम चल जाएगा, मेरे को दिक्कत नहीं यार। फिर कैमरा तो है ही मेरे पास, और कैमरा भाई क्या हाल में है देख ही रहो, अभी भी फॉर्मेट हो रहा है, अभी भी फॉर्मेट हो रहा है, अभी तक फॉर्मेट हो नहीं पाया यार ये। और आज देख लो जरा बाबू की जगह भाई गुब्बारे लेटे पड़े हैं इसके अंदर, क्योंकि सब उड़ रहे हैं हवा में, है ना, तो इसी वजह से ये सब फोड़ना है यार एक एक करके। काम करते हैं एक आधे फोड़ ही लेते हैं, ये लगा लगा लगा, ओह बहुत तेज आवाज आ रही है यार, गुब्बारे फोड़ने हैं भैया बाद में फोड़ेंगे। और भाई तुम्हारा क्या हाल चाल है, इधर जरा देख लो, इधर जरा कैमरे में देख लो, इधर देख लो जरा मुड़ के भैया, भाव नहीं मिल रहा आजकल, कैमरे में देखा नहीं जा रहा, देख लो सच बता रहे हैं। अबे तो कैमरे में कौन सा वो तुम्हें दिखा रहा है इमोजी मोटे वाले। वैसे भाई लड़कियों का यही रहता है कि कैमरे में तभी सामने आती हैं जब वो अपना परफेक्ट शेप में हो, अगर मोटे लग रहे हैं तो भाई सेल्फी नहीं लेंगी, वीडियो नहीं बनाएंगी, ये कौन सी बात होती है यार, जैसे हैं वैसे बनाओ, क्या करना है, ये आपकी सोच है, ये हमारी सोच है, तुम्हारी नहीं तो क्या कर सकते भाई इसके लिए। वैसे ऐसी सोच होनी चाहिए, जैसे भी हो वैसे ही चालू करो, वैसे ही स्टार्ट कर दो। तो अब बारी है इनको सबको फोड़ने की, और ये एक बज गया है भाई, ये गया। ओ, इधर भी बच रहा हूँ, अच्छा ये भी है, आज कोई बचने वाला नहीं माना था, सबको फोड़ डालेंगे, खाली आपको फोड़ना आता है, ये देखो बेडशीट पे पूरे बैलून की
अरे भाई ये तुम उठा लेना, जितना भी फैला हुआ है करोगी क्या? थोड़े यहां हो भाई हम। अब भाई इस वाले कमरे का तो फूट गया है और इस वाले कमरे में जितने बचे उनको भी सबको फोड़ डालते हैं। देखो इस कमरे बहुत सारे लगे हैं गुब्बारे। इस कमरे को रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि यहां फैन चलता नहीं तो फोड़ता नहीं है। अच्छा ऐसा भी कुछ है? हाँ। तो चलो भाई इधर वाला छोड़ दो, ये अच्छा फोड़ने लो, ये साइड में रखे। अब देखिए भाई इतने सारे आवाज करेगी तो बाबू जगह की नहीं जगह, जगह की नहीं जगह, कट कट की आवाज सुन के जग गए। अरे भाई गुब्बारे की आवाज सुन के जग गए। दरवाजा खोलो, तुम दरवाजा खोलो, हम लेके चल रहे हैं। ले 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 चले लो भाई। छोटू जगते जगते बचे हैं अभी आवाज सुन के, अगर ये सारे फूट जाते तो जरूर जग जाते फिर। ए बाबू इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ले 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 ले। ये विटामिन डी थ्री, ये बाबू की दवा मिला दीजिए। लाओ भाई दवा मिला दें। टिन 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 पीने से मतलब रखते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। अभी इनको देख, ये लगा, ये लगा और चालू। अरे बाबू ये देखो भाई चालू हो गया। और भाई ये जो मंगाया बोरोसिल का लंच बॉक्स, इसको दिखाते हैं आपको एक बार खोल के। तो ये देखो कैसा है बोरोसिल का, कहाँ से यहाँ से खुलेगा। और ये इसके अंदर है हमारा लंच बॉक्स, और ये जैसे ही खुला है इसके अंदर हमें देखने को मिल गया है बोरोसिल का ये कुछ वारंटी गारंटी कार्ड जैसा लग रहा है। और ये भाई इसके ऊपर वाली पन्नी लगी जो लोग फोड़ते थे बचपन में, ये देखो पिट पिट करके। अरे वाह क्या भाई कमाल का लंच बॉक्स है। अरे वाह यार मज़ा आ गया देख के भाई। ये कांच का है और ये माइक्रोवेव सेफ है, इसको आप माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं लंच बॉक्स। ये कुछ 850 की MRP है इसकी, और मुझे ये मिला है 700 का मिला, ये मुझे 700 या 750 का मिला है, लेकिन बहुत ही बढ़िया है भाई कमाल का है। मतलब ये कांच का आपको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, अगर आप ऑफिस वगैरह ले जा रहे हैं तो इसको संभाल के ले जाना पड़ेगा, तो गिरेगा टूट जाएगा है ना। लेकिन ये लीक प्रूफ है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से खोला, इधर से खोला, ऐसे खोला और ऐसे खोला, तब जाके ये खुल जाएगा। तो अब ये जो है ये देखो, इसके बाद में ये निकला और इसको यहाँ से ऐसे खोल लेंगे हम, उसके बाद में ये दूसरा वाला। बहुत ही वजन कांच है यार, बहुत ही मतलब अच्छा है ये यार देखने में। तो इसको भी हटा देते हैं और अब देखो ये एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि भाई अगर रिटर्न करना रहेगा तो हमें पहले ही देखना पड़ेगा सारी चीज़ें अच्छी हैं कि नहीं है। तो एकदम सही है इसको, लेकिन यार संभाल कर ले जाना पड़ेगा। मुझे ये नहीं लगा था यार कि कांच का होगा, मैंने सोचा था कि यार प्लास्टिक होगी बढ़िया वाली, लेकिन ये कांच का निकल आया है। अब ठीक है ले लेते हैं, संभाल के ले जाया करेंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे इसको। ये देखो इसमें ये सब लगा हुआ है लीक प्रूफ के लिए है ना, तो बढ़िया चीज़ है वैसे, ये ख़राब नहीं होगा। चलो अच्छा आज बाबू छत पे जाएंगे हमारे साथ, आ जाओ बाबू चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे पास आ जाओ बाबू आ जाओ। थपकी दिलवा तो दे। थपकी लेते हैं बाबू खाने पीने के बाद में भी, उसके बाद तो कहीं जा सकते हैं। लाम दिला देते हैं लाओ। तो बाबू अभी भी धूप पिए हैं भाई, तो इसीलिए इनको सीधा पकड़े हुए हैं और ये सोने लगे हैं सीधे। चलो छत पे लेके चलते हैं इनको। तो भाई अभी चलते हैं छत पे, दिखाते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है आज। और भाई ये जो हमने मंगाया था ये टी शर्ट है टॉमी जींस की, और ये है अमेजन ब्रांड की। तो ये तीन टी शर्ट इसमें रखी हुई हैं, तो इसको अभी खोलेंगे तो आपको दिखाएंगे फिर धीरे धीरे है ना। आज भाई सुबह से ही ऐसा मौसम था कि बारिश गिरेगी गिरेगी, और भाई बारिश गिर गई। ये देखो अभी भी बहुत तेज बादल यार। कितने दिनों बाद हम छत पे आए हैं। किससे बैठना है? बैठो फिर, हम इधर बैठ जाते हैं। वैसे कैसा लग रहा है? फीलिंग इतनी अच्छी आ रही है कि पूछो ना। बारिश हो रही है लेकिन मॉइस्चर भी हो गया हुआ हमें यार, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई भाई, एकदम चिप 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 हो रहा शरीर में। हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर कर्टन लगवा दें और यहाँ फैन लगवा दें, और इस कमरे में थोड़ा कमरा ठीक ठाक कर लें, और एक विंडो वाली एसी लगवा दें, क्योंकि वहाँ पर विंडो बनी हुई है और वहाँ विंडो वाली कमरा भी छोटा है, बहुत अच्छा कूलिंग करेगा, जब भी नीचे से मन उग जाए तो यहाँ चले आओ। ये जो सिर पे बांधी हो ना एकदम मुस्लिम लग रही हो सच में। ऐसा तो बांधते हो सिर में। ये वाला प्लान हम देखे नहीं थे, कहाँ था ये? पहले तो अच्छा नहीं था, इसका कलर चेंज होता रहता सीजन के हिसाब से। अच्छा ये वाला देखो गुड़हल, गुड़हल तो गाँव से आया था, इतना बड़ा हो गया, ये तो फूल खिलने लगा है। हाँ फूल बहुत निकल चुके हैं इसमें तब से। हाँ बारिश हो रही भैया बहुत तेज, बादल देखो छुई में नहीं है वो। ये देखो डेनियम ले फूल टूट गया। तो ये आज पूरा छत पे घूम लिया है बढ़िया से इन्होंने भी, हमने भी, पानी बरस रहा है। चलो अभी हमें कहीं जाना है, निकलते हैं फिर।
मिलते हैं शाम को। आज छत पे घूम के इतना जैसे लग रहा है जन्नत में आ गए, इतना तो शॉपिंग करने जाते तो मजा नहीं आता है। अभी रात के 11 बज रहे हैं और भाई बाबू जो है वो सो नहीं रहा बिल्कुल भी, तो परेशान करके रखा है और भाई लेके बैठे हैं अभी, देख रहे हैं कब नींद आए तो कब सोए, क्योंकि रात में ही जगता है हमेशा, तो वही हो रहा है अभी भी। और इतना ज्यादा रो रहे हैं कि हम खाना भी नहीं खा पा रहे थे। एक एक करके खाना खाएगा, एक बार हमने खाया एक बार इन्होंने खाया है, क्योंकि एक आदमी लेके बैठा है तो दूसरा खाना खा रहा, दूसरा खा रहा तो दूसरा लेके बैठा है। बाबू सो जा रहा, फिर जग जा रहा, ए बाबू उठ जा उठ जा उठ जा, अरे नहीं नहीं गलती हो गई, सो जाओ बाबू सो जाओ, नहीं सोएगा भैया, बड़े इंतजाम से लेके बैठेंगे, सो जा, लेकिन सो नहीं रहा है भाई। बाबू का पूरा प्लान है कि रात भर जगाएगा, ठीक है, जगाने का प्लान है, दिन में तो सो लिया है, और हम लोग की हालत देख लो, ये नींद से आंखें भरी है, लेकिन अभी इनके चक्कर में जागना पड़ेगा भाई, जागना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। क्या हुआ, फिर जग गए, फिर नींद नहीं आ रही तुमको है? फिर से नींद नहीं आ रही तुमको? हाँ तुमको जगना है, ये देखो खर्राटा नोटिस, ये देखो भाई खर्राटे, ये देखो खर्राटे मार के सोया जा रहा है भैया। तो भाई लग रहा है कि आज की रात जो है ऐसे निकल जाएगी इनको लेके बैठे बैठे, नींद तो ऐसे आ रही है। सोच रहे थे यार मूवी देख डालेंगे, मूवी आई बॉलीवुड की नई नेटफ्लिक्स पे, लेकिन भैया इनके चक्कर में लग रहा है वो भी नहीं देख पाएंगे, मोबाइल में देख रहे हैं अभी, कोशिश करते हैं भाई थोड़ा सा सो जाए यार। देखो फिर जग गए, इनको मम्मी के पास ही नींद आएगी, भैया हमारे पास तो आने से रही, तो मम्मी के पास ही सो तुम, ऐसे जब इनको पेट पे लेटाओ चिपक के तभी सो पाते हैं, वरना इनको नींद ही नहीं आती। चलो भाई तुम सुला दो, तब तक के लिए हम सोच रहे हैं मूवी देख लें थोड़ी सी यार, क्योंकि एक मूवी एक दिन में तो कभी नहीं मेरी खत्म होती है भाई, कम से कम 5-6 दिन लगते हैं, कभी 10 मिनट देख लिया, कभी आधे घंटे देख लिया सो गए, कभी 1 घंटे, ऐसे मतलब पूरा मूवी जो खत्म होने में 5-6 दिन लग जाते हैं उसको, तो ये बढ़िया है एक मूवी से हम 5-6 दिन काट लेते हैं। कोई कोई लोग तो दिन में 2-3 मूवी देखते, तो वो मेरे साथ नहीं हो पाता है। ए बाबू अब भैया ये भी नहीं कि हंसी में उसको जगा दें, क्योंकि यार अगर जगा दिए तो वो अपने लिए भी मुसीबत हो जाएगी। हम लोग सोच रहे हैं कि बाबू सो रहा है और बाबू अंदर ही अंदर जग रहा है, बाबू अंदर ही अंदर जग रहा है, इसका शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा भैया, जो रात में ये जगते हैं दिन में सोते हैं। जब इनका शेड्यूल भैया चेंज जाएगा तभी हम लोग को भी नींद आ पाएगी और इनको भी। अच्छा सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इधर उधर की बातों में ना पड़िए, लोगों को अच्छी बातें बताइए और अच्छी बातें सीखिए, है ना, यही सब कर सकते हैं आप।